एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पॉलमी एंड वेलकम टू माय चैनल बाइफोकल जिंदगी। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे हो। सुबह आप लोगों का अच्छा ही हो रहा है। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो संडे है आज और सुबह ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। आज संडे का कोई स्पेशल प्लान नहीं है हम लोगों का। हम लोग सिर्फ डिसाइड किए हैं कि घर पे रहेंगे और चिल मारेंगे। आज कोई भागा दौड़ी नहीं, कहीं पे जाना नहीं, आना नहीं, कुछ नहीं। तो सुबह तो उठ गई और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि खाना जो जितना भी रेस्ट करूँ खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया, आप लोगों को दिखाऊंगी। और वही अभी ब्रेकफास्ट लेंगे और क्या कुछ स्पेशल तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये रहा पोहा जो मैंने अभी सुबह बनाया है, और चाय, और ये रहा, ये खा रहा है। क्या ब्रेकफास्ट अच्छा लगा? बढ़िया है, बहुत दिन बाद खाया। अच्छा अच्छा बना है? हाँ बहुत अच्छा बना। ये भी करेगा ब्रेकफास्ट और मैं भी करूँगी। क्या करूँ, लास्ट संडे हम लोग घूमने गए थे ना, तो आप लोगों के साथ अच्छा खासा कुछ शेयर किया था। आज तो हम लोग जा नहीं रहे बाहर। क्या आज तो मैं सोऊंगा। मैं ये तो पूरा सोने के मूड में है, ये सिर्फ बोल रहा है मुझे बुलाना मत, मैं उठूंगा खाऊंगा और सो जाऊंगा। पता नहीं इसका क्या चल रहा है। मैं सोऊंगा पूरा दिन, सिर्फ सो के। और मैं भी मतलब सिंपल सा ही आज लंच बनाऊंगी। चिकन ये ला के रखा है, तो थोड़ा सा चिकन बनाऊंगी, एकदम सिंपल रखूंगी, कुछ भी ज़्यादा नहीं करूंगी। मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा मतलब चिल मारूँ, कुछ देखूंगी टीवी में। हम दोनों को तो एक साथ टाइम भी नहीं मिलता है, इसका हर दिन ऑफिस रहता है, मैं भी घर पे, बाकी दिन वीकडेज में देखना काम ज़्यादा रहता है। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद जितना भी बर्तन गंदा हुआ है उन सबको धीरे धीरे साफ कर लेती हूँ, क्योंकि ये साफ़ हो जाएगा तो एक बड़ा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं लंच का प्रिपरेशन करूँगी। क्या कर रही हो? बना रही हूँ करेला भाजी, कर रही हूँ, आपका तो फेवरेट है। और चिकन बनाऊंगी और फ्रूटी, साथ में थोड़ा एनर्जी ड्रिंक चल रहा है। अच्छा अच्छा, बनाते रहो। आज कोई हेल्प नहीं मिलेगा क्या? हाँ जरूर मिलेगा, मैं आ रहा हूँ। Okay. मैं सो रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ये आज मेरे को कोई हेल्प नहीं करने वाला, बोलता है मैं सो रहा हूँ और आ रहा हूँ, सो रहा है, बीच बीच में आके देखता है क्या है। और इसके ये देखिए, मेरे आँख वगैरह सब फूल गए हैं, इतना सो रहा है ना ये आज, मतलब क्या बताऊँ, बहुत टायर्ड हूँ मैं। और क्या करूँ, मैं चिकन फिर भी हेल्प करूंगा। हाँ थोड़ी देर में मैं चिकन बनाऊंगी, पहले ये सब बना लेती हूँ, उसके बाद चिकन बनाऊंगी। तो अभी बात नहीं करेंगे आज ज्यादा, क्योंकि काम बहुत सारा है। क्या आप बनाओगे चिकन? हाँ बना ही लेते हैं, क्विक चिकन बना रहे हैं। क्विक चिकन? हाँ एकदम क्विक। तो इसका दिखा दो कैसे बना रहे हो, क्या क्या लिया यहाँ पे? इसमें चिकन और आलू, अभी थोड़ा तेल डाल रहे हैं, आलू भी कच्चा ही है। अच्छा कच्चा ही है आलू, आलू मतलब फ्राई नहीं करना है आज? नहीं फ्राई ऐसे ही करना, क्विक चिकन है ना भाई। अच्छा तो आलू में चिकन डाला, उसके बाद आप हल्दी डाल रहे हो? हल्दी डाल रहा हूँ क्योंकि हरी मिर्ची दे रहे हैं हम लोग। अच्छा तो लाल मिर्च कम दे रहे हैं, ठीक है। नमक स्वाद अनुसार, ठीक है स्वाद अनुसार नमक। ये धनिया, धनिया पाउडर डाल दिया। अच्छा अपने अंदाजे से ना? अपने अंदाजे से डाल दो। अच्छा
ये तो झटपट बन जाएगा लग रहा है, मतलब एक साथ ही डाल दोगे सारा कुछ भी? सारा एक साथ डाल। कश्मीरी मिर्च डालोगे क्या? अच्छा अभी इसको मैरिनेट कर लूंगा। और हल्दी नमक को क्या किए, अदरक लहसुन को क्या किया? अदरक लहसुन दूंगा जब उसमें डालूंगा ना कढ़ाई में। अच्छा तब मैं उसको फ्राई करने का टाइम दूंगा, और ये अभी बेसिकली मैं मैरिनेट कर रहा हूँ। अच्छा ये क्या आपका बैचलर टाइम का है क्या? एकदम एब्सोल्युटली फास्ट एंड फ्यूरियस चिकन है। अच्छा मतलब बनाते थे पहले हॉस्टल टाइम में। अच्छा और झटपट बन भी जाएगा। ठीक है मैं तो कभी ऐसे बनाई नहीं हूँ, देखती हूँ आज कैसा बनता है। 5 मिनट इसको रहने दीजिए। अभी आपको मैं चिकन का रेसिपी दिखा देती हूँ, ये क्विक चिकन कैसे बनता है। तो पहले तेल डाला, तेल जब गर्म हुआ तो उस पर तेज पत्ता और जीरा डाल दिया। और अभी क्या क्या डालता है ये मैं आपको दिखाती जाऊंगी। अभी प्याज डाल दिया, कुछ लहसुन के कलियां ऐसे ही फूल। अभी इसको फ्राई करना है ना? फ्राई करना है इसको, ब्राउनिश हो जाएगा। अच्छा मतलब ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। चलिए ब्राउन हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज। अभी मैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल दूंगा। इसमें अभी ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च इन सबको एक जगह पे पेस्ट किया था तो वो डाल रहा है। और अभी इसको थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा सा और फ्राई करेगा। अभी मैंने हरी मिर्च और ये जो बाकी अदरक लहसुन के पेस्ट है वो डाल दिए। अभी मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ। बहुत फास्ट बनता है ये चिकन। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगा, मैरिनेट करके रखा हुआ था। अभी ये मैरिनेटेड चिकन आलू के साथ जो उसने मैरिनेट किया था वो सारा डाल दिया। अभी इसको भून के पानी डाल दोगे ना? हाँ ओके। अभी इस चिकन को थोड़ी देर भूनेंगे हम लोग, और भूनने के बाद इसमें जितना ग्रेवी रखना है उस हिसाब से पानी डाल देंगे। ये थोड़ा मतलब पतला ग्रेवी का चिकन बनेगा जिसको हम लोग बंगाली में झोल बोलते हैं, तो वो बना रहे हैं आज। तो हल्का पतला आज खाएंगे इसलिए। और हो गया समझो आप आज हम लोगों का लंच बनाना। हाँ लंच बनाना हो गया। शेफ का चेहरा देखिए क्या बना है। ठीक है होता है, हो जाता है। तो ठीक है फिर अभी ये बन जाए और थोड़ा बहुत मेरा जो काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आज डिटेल में वैसे रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, मतलब जहाँ तक दिखाया उसके बाद थोड़ा भूनूंगी और पानी डाल दूंगी बस, तो चिकन बन जाएगा और बॉयल करना है उसको। तो ठीक है बाकी का काम कर लेती हूँ, बाद में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। ये देखिए चिकन बन चुका है, क्विक चिकन का फाइनल लुक। बहुत ज़्यादा होगा तो 10 मिनट लगा होगा इसको बनने में, तो आप ट्राई करना ऐसे ही पतला जब खाने का मन करे तो ये डिश आप ट्राई कर सकते हो। अभी मैं आपके साथ डायरेक्ट शाम में मिल रही हूँ। दोपहर में और ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि लंच बनाने के बाद ना हम लोगों को दोनों को थोड़ा बाहर जाना पड़ा जल्दी जल्दी में, कुछ काम आ गया था, तो इसलिए शाम हो गया हम लोगों को लंच करते करते। तो और अभी फिर से निकलना है, तो उससे पहले थोड़ा सा
चाय बना रही हूँ, थोड़ा सा चाय पी के उसके बाद निकलेंगे। और तो यहीं से मैं फिर से ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए, मतलब जो सोचते हैं वो होता नहीं है। आज इतना सारा काम हम लोगों को आ रहा है ना कि बार बार निकलना पड़ रहा है, तो क्या करें। अभी तो आपके साथ बातें करते करते मेरा चाय भी करीब करीब बन ही चुका है, तो चाय छान लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से फिर से बात करूँगी। और उसके बाद थोड़ा निकलना भी है, तो आज के ब्लॉग को मैं और कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और उसके पास जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलूंगी फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, एंड कीप वॉचिंग बाइफोकल जिंदगी।